नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे बड़े साइज में अगर आप 3D प्रिंट करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले तो देखिए, ये जो 3D प्रिंट हो रहा है ये करीब आपका टाइमिंग देख सकते हैं आप, 23 आवर्स कंप्लीट हो गया है, 23 घंटा कंप्लीट हो गया है एंड 45 मिनट्स हुआ है एंड करीब 73% इधर पर कम्प्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, ये प्रिंट करीब आपका 27 घंटे का है, 27 आवर्स का करीब इसका ड्यूरेशन है एंड आप देख सकते हो ये प्रिंट बहुत ही फाइन क्वालिटी में एंड बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश के साथ ये जो है प्रिंटिंग चालू हुई। ठीक है, ये कस्टमर का एक स्पेशल ऑर्डर था जिसके ऊपर हम लोग ये प्रिंट कर रहे हैं एंड कंप्लीट होने के बाद हम लोग कुरियर करेंगे डायरेक्ट। अगर आपका भी ऐसा कोई ऑर्डर है तो हम लोग आपके लिए 3D प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर दिए गए वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उधर से हम लोग का व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा एंड प्राइसिंग वगैरह भी आप देख सकते हो। तो इधर पे देखिए, पहले तो एक प्रिंटर पे ये प्रिंट चल रहा है, सेकेंड प्रिंटर पे छोटा साइज का एक पम्प सेट का प्रिंट चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसे लॉन्ग टाइम प्रिंटिंग में। सबसे पहले क्या आता है कि आपका जो PLA है वो इस ये जो प्रिंट हो रहा है ये करीब 250 ग्राम का प्रिंट है, 250 ग्राम्स का, तो उतना अमाउंट का PLA है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर पे पूरा नया रील डाला है तो उसका कोई टेंशन नहीं है। एक नंबर हो गया आपका PLA का। अगर आपको लगता है कि PLA से उतना प्रिंट नहीं हो पाएगा तो नया PLA डाल दीजिए, क्योंकि अगर बीच में PLA ख़त्म हो जाएगा तो प्रिंट हो गया। और हाँ, अगर आपका PLA का सेंसर है तो सही बात है, मेरा इधर पे PLA सेंसर नहीं है, ये नॉर्मल एंडर थ्री वाला प्रिंटर है तो उसमें PLA का सेंसर नहीं है, PLA सेंस करने वाला। एक नंबर हो गया। नंबर दो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम प्रिंटिंग में ना आप टेम्परेचर 210 रखिएगा PLA मटेरियल के लिए, क्योंकि 190 200 डिग्री अगर रखते तो क्या होता है ना, क्लॉटिंग हो सकता है एंड लॉन्ग प्रिंट में आपका ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ना बेस्ट होता है। जैसे कि मैंने 210 डिग्री इधर पे रखा है। जो बेस का टेम्परेचर है वो आप 60 डिग्री रखिए, 50 या 45 डिग्री मत रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ये बेस से निकल के आ सकता है और इतना बड़ा प्रिंट अगर निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हुआ मेन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोजल क्लियर करके ही बड़ा साइज का प्रिंट दीजिएगा, बिना नोजल क्लियरिंग का मत दीजिए, क्योंकि अगर अंदर में नोजल ब्लॉकेज हो गया तो प्रिंट आपका ख़राब हो सकता है। बस दोस्तों, ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप लंबे टाइम के लिए प्रिंट दे रहे हो, लाइक जैसा कि मेरा एक दिन का ऊपर होता है, 27 आवर्स का मतलब करीब 1 डे के ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो बस बने रहिए, और अगर आपको कोई 3D प्रिंटिंग का ऑब्जेक्ट चाहिए तो जरूर से मुझे इन्फॉर्म कीजिए, वेबसाइट से कॉन्टैक्ट कीजिए एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ही कम 3D प्रिंटेड रिलेटेड वीडियोज़ होता है या 3D प्रिंटेड रिलेटेड कोई काम करता है, बहुत ही कम। मैक्सिमम हम लोग जो 3D प्रिंटेड वीडियो देखते हैं वो सब कुछ फॉरेन में होता है मैक्सिमम। तो बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। बाय बाय।